स्वगंध का चूर्ण जो है 6 ग्राम ले लीजिए और उसमें आप शुद्ध घी जो है हल्का थोड़ा सा मिला दीजिए। डॉक्टर वीरेंद्र आपका स्वागत करता हूँ वीरेंद्र आयुर्वेदा चैनल पर। मैं आपको आज एक योग बतला रहा हूँ अनिद्रा का। यह योग जो है बहुत आसान है और बहुत अच्छा योग है। आपको आप जो है अश्वगंध ले लीजिए और अश्वगंध को मिक्सर मशीन में उसको चूर्ण कर लीजिए और एक शीशी के पात्र में उसको रख लीजिए और उसमें से रात्रि को सोते समय 6 ग्राम चूर्ण निकाल लीजिए। यानी अश्वगंध का चूर्ण जो है 6 ग्राम ले लीजिए और उसमें आप शुद्ध घी जो है हल्का थोड़ा सा मिला दीजिए और थोड़ा सा मिश्री का चूर्ण मिला दीजिए और तीनों को मिलाकर रात्रि को सोते समय प्रतिदिन खाते रहने से अनिद्रा रोग जो है दूर हो जाता है। शरीर में थकावट है वो भी जो है समाप्त हो जाता है और अश्वगंध जो है आपको आयुर्वेद के हमारे महर्षियों ने इसका वर्णन किया है कि यह जो है कफ और बात सामक है। यानी कफ और बात जो है आपको आयुर्वेद का दोष है और मस्तिष्क विकार को यह जो है सदा के लिए दूर करता है। यानी मस्तिष्क में जितनी बीमारियां हैं उसको समाप्त करता है, मस्तिष्क के नाड़ी को मजबूत प्रदान करता है। आपको अश्वगंध के सेवन करने से मूर्छा भ्रम अनिद्रा आदि रोग जो है दूर हो जाता है। यह औषधि बहुत अच्छा है, आपको मार्केट में उपलब्ध है अश्वगंध और उसको चूर्ण कर लीजिए और चूर्ण करने के बाद 6 ग्राम आप उसको लेकर शुद्ध जो है घी मिला दीजिए, थोड़ा सा मिश्री का चूर्ण मिलाकर रात्रि को सेवन करते रहने से नींद जो है गाढ़ा आता है और किसी तरह का मस्तिष्क में तनाव नहीं होने देता है। यह औषधि बहुत अचूक है और इस औषधि को जरूर सेवन करें। अश्वगंध जो है आपको मस्तिष्क के सभी विकार को यानी सभी बीमारी को रोग को यह दूर करता है और मस्तिष्क के नाड़ी में ताकत प्रदान करता है, बल प्रदान करता है। और इस वीडियो देखने के लिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। जय धन्वंतरी, जय आर्य।